ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं श्याम सुंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सर। जैसा कि आपको पता है कि अपनी रीजनिंग की क्लास चल रही है, जितने भी टॉपिक हुए हैं उन टॉपिकों में आगे एक टॉपिक और जोड़ रहे हैं अपने। आज जो अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वह है वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे इससे जस्ट पहले का जो अपना वीडियो है वो अपना वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग जैसे 26 अक्षरों के ऊपर डिपेंड करती है, उसी का भाग है कोडिंग डिकोडिंग का ये एक भाग है दोस्तों वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण में क्या होता है, वही 26 अक्षर होते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने को लेफ्ट और राइट, बायां और दायां थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जैसे अपने ने किया, अपने ने बदलना सीखा, कोई भी अक्षर है उसको बदलना, कोड को डीकोड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोनों, हर एक टॉपिक के नाम से पता चलता है। कोडिंग डिकोडिंग, कोड को डीकोड कर दिया, बदल दिया, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है जी। वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट, ABCD का क्रम बताना, ठीक है। जैसे बाएं से 10 नंबर पर जे होता है तो बाएं से 10 नंबर पर जे ही आएगा। दाएं से 10 नंबर पर पूछ ले तो जो अपने ने जो जोड़ीदार याद किए थे वो बहुत काम आएंगे। जे का जोड़ीदार क्यू था, जेकलीन, जेकलीन ऐसे याद किया था, जे क्यू, जयपुर क्वीन ऐसे याद किया था अपने ने, तो क्यू उत्तर हो जाएगा उसका। तो इसी हिसाब से होता है। इसमें एक दो टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, लेकिन जो वर्णमाला परीक्षण में सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वो अपने पास टाइप ये होता है कि वर्णमाला परीक्षण में बाएं से 15वें के बाएं 5वां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 8वां, इस हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं वर्णमाला परीक्षण में। क्योंकि वर्णमाला परीक्षण में से कोडिंग डिकोडिंग के साथ होने के कारण इसमें से एक क्वेश्चन बनता है अपने पास, और चांसेस, मोस्ट ऑफ चांसेस यही है कि यही जो टाइप मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर। तो अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस हिसाब से करना है, फिर अपने समझ में आ जाएगा ये, फिर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहले पूरा बेसिक करते हैं, सबसे पहले नोट डाउन करते हैं टॉपिक का नाम वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला परीक्षण ऑर्डर में देखना। जैसे इंग्लिश के नाम से कंफर्म हो रहा है अल्फाबेट ऑर्डर, ऑर्डर होता है क्रम, जैसे रैंकिंग टेस्ट अपने ने किया था उसी हिसाब से। अब मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूं 26 के 26 अल्फाबेट, फिर अपने उनको नोट डाउन करेंगे उल्टे क्रम में भी दोनों साइड, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सीधा लिख लिया उल्टा लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी उत्तर आ जाता है। इससे कैसे आ जाता है देखिएगा, यहां से शुरू कर रहे हैं ABCDEFG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, लिख दिया अपने ने। तो दोस्तों ये जो क्रम लिखा है अपने ने, क्रम ही तो है, ऑर्डर ही तो है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही तो है, अल्फाबेट का ऑर्डर ही तो है ये अपने पास। जो ये अपने ने क्रम लिखा है, जो ये ऑर्डर लिखा है ना, इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। लेकिन क्वेश्चन का प्रकार होता है वो 3 से 4 प्रकार का होता है इसके अंदर। एक तो ये बिल्कुल समझना धीरे धीरे आराम से, कि एक तो पहला टाइप इसमें बनता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब अपने बायां दायां क्लियर है क्योंकि अपना रैंकिंग टेस्ट हो चुका है, उसमें अपने ने समझा था, मैं फिर बता देता हूं ये साइड कौन सा होता है दोस्तों, ये बायां साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और ये होता है दायां, राइट साइड होता है ना, हाँ जी ये राइट साइड होता है। और इसको एक याद करने का ट्रिक अपने ने और देखा था, अगर ध्यान में है तो मैंने कहा था पहले बायां फिर दायां, जैसे ABCD में पहले क्या आता है, देखिए ABCD में पहले B आता है बाद में D आता है, तो ये B मतलब बायां इधर है,
ठीक है, ये बी मतलब बायां इधर है, ठीक है, और ये डी मतलब दायां इधर है, इसी हिसाब से याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ये बायां और दायां क्लियर है अपना। अब देखते हैं दोस्तों अपने इसमें आगे क्या करते हैं। तो अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो देखते हैं अपने, पहले इसी से संबंधित, फिर इसको उल्टा लिखेंगे, फिर इसके फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, सेकंड हाफ मतलब प्रथम अर्धवांश द्वितीय अर्धवांश लिखेंगे। तो ये टोटल चार प्रकार बन जाएंगे इसके अपने पास। तो पहले ये लिखते हैं। अब अगर अपने से कह दे, अपने से कोई ये कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे ये वर्णमाला लिख ली अपने ने पूरी, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, 26 के 26 अक्षर है ना, उनको ही वर्णमाला कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये लिख लिया आपने ने। अब अगर अपने को ये कह दिया जाए कि इसके अंदर बाएं से, मैं लिख देता हूं, बाएं से 15वें के बाएं 7वां, ये लिख दिया, क्वेश्चन पूरा आएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो रहेगी वो मैं बोल के बता रहा हूं आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, इसी हिसाब से होता है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर बायां बायां या दायां दायां मतलब सेम सेम आ जाए, दोनों चीजें सेम आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, जैसे बायां बायां या दायां दायां, क्वेश्चन में ये आ गया बायां बायां, तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, काट देंगे एक साथ, एक जैसे, कहते हैं ना एक जैसे दोनों, तो दोनों कट जाएंगे, अलग अलग होते हैं तो जुड़ जाते हैं भाई, ठीक है, तो दोनों एक जैसे तो कट जाएंगे। या फिर इसको बेसिक समझते हैं पहले इसका कि होता कैसे है। आपको इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये बोल दिया इसने, मान लीजिएगा ये बोल दिया कि ये अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब बाएं से यहां से 15 नंबर पर जाएंगे पहले, तो 15 नंबर पर ओ होता है अपने को पता है, फिर भी अपने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो गया 15, ठीक है। अब देखिएगा 15 इसने कहा अंग्रेजी में 22 से 15वें के इस अक्षर के 15वें के कहां पर है, बाएं, फिर बाएं, तो बायां कहां होता है, इधर होता है, ये पड़ा इधर, पड़ा है बायां, इधर 7वें अक्षर पर आ जाओ, 7वें पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा क्या हो गया उत्तर, एच हो गया, इस हिसाब से अपना ये उत्तर हो गया, एच उत्तर हो गया अपना। लेकिन अगर अपने को ऐसे नहीं करना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में अपने ने अल्फाबेट सारे याद कर लिए थे, ठीक है, और अपने को ये सीधा जोड़ना और घटाना तो आता ही है, भी 15 में से 7 गए 8 और 15 में जोड़ देते तो 22, तो वी विक्ट्री 22 दो अंगुली वाला वी है ना, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब मैंने आपको कहा याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए बायां और बायां, सेम सेम शब्द आ जाए, मतलब दोनों एक जैसे आ जाए, मतलब या आ जाए दायां दायां, ठीक है, तो ये हमेशा माइनस होंगे, याद रखना, हमेशा याद रखना ये माइनस होंगे। जैसे बायां बायां आया तो 15 में से 7 माइनस करो, क्या बच गया 8वां, 8वां बच गया। अब बाएं से जो पहले लाइन में यूज होगा उस अक्षर से देखो, आप बाएं से देखो, बाएं से 8वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखो डायरेक्ट उत्तर आ गया डायरेक्ट अपना। अपने को ऐसे नहीं करना पड़ा भी 15 तक गए फिर वापस आए फिर आंसर लगाया, तीन स्टेप नहीं, डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर आ गया अपने पास, है ना। तो अगर याद रखना बायां बायां मतलब सेम सेम, यहां मैं लिख देता हूं सेम सेम, अगर दोनों सेम सेम हैं तो माइनस होंगे, वो जुड़ेंगे नहीं, एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। और अगर आ जाए अलग, जैसे बायां और दायां, दायां और बायां, ये आ गया दोस्तों, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, जो अलग अलग होते हैं ना
वो जुड़ जाते हैं, जो एक होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। एक जैसे हो गए दोनों तो कट जाएंगे, और दोनों अलग अलग हो गए तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे ये, फिर अपना आंसर निकल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर दोबारा देख लीजिए इस पर्सन को, फिर मैं इसको रिवर्स लिखूंगा, ABCD उल्टी लिखेंगे अपने, क्योंकि उल्टी में भी क्वेश्चन बनते हैं। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर दोनों चीज बराबर बराबर आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो माइनस होगा, चाहे वो बायां हो चाहे वो दायां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। और अगर अगर आपके पास आ गया बायां और दायां, अगर दोनों अलग अलग आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इस हिसाब से जुड़ जाएंगे सर, ये दोनों अलग अलग हो गए जुड़ जाएंगे, एक हो गए तो माइनस हो जाएंगे ये, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं यहां मैं लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं एक क्वेश्चन, आप देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन आया सर अपने। तो अब देखिएगा इसमें क्या आया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, आपको ना ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना अभी एक बार बाया आया, दूसरी बार क्या आ गया, दाया आ गया जी, अलग अलग आ गए, तो अपने पास पता है भी अलग अलग है तो जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 10 और 7 17 हो गया, 17 हो गया। अब 17 नंबर देखना है, अब प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले तो बायां दायां ढूंढना है, फिर आपको जोड़ना है या घटाना है, अगर दोनों एक होते तो घटा देता, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दिए मैंने, 10 और 7 17। अब आपको 17 देखना है सर, लेकिन 17 किस साइड से देखेंगे अपने, यहां से देखें या वहां से देखें, क्योंकि लाइन में नाम तो बायां भी आ गया और दायां भी आ गया, प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए याद रखना आप एक ट्रिक है, जो लाइन में पहले आता है, लाइन यहां से शुरू हुई है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं, तो लाइन यहां से शुरू हुई है, बायां आया है, और साथ में क्या लगा है, से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी शब्द के साथ से लग जाए, जैसे बाएं से तो बाएं से, दाएं से तो दाएं से, उसी साइड से देखना है आपको। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन आया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दसवें के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपने पास। अपने ने क्या किया, बायां और दायां दोनों अलग अलग आ गए तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हो गए 17। अब आपको 17वां देखना है तो कहां से देखना है, बाएं से देखना है, फ्रॉम लेफ्ट 17 नंबर, तो 17 नंबर सीधा ही पता है जी, क्यों ही होता है, क्यों गिने, क्यों एक दो करे, कोई बच्चे दौड़ी ना, अपने को तो याद ही है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कर लिया था अपने ने, तो ये क्या आएगा आंसर है, क्यों आएगा सर इसका आंसर। यहां तक क्लियर है, यहां तक अगर समझ में आ गया आपको तो आगे बढ़ते हैं इसमें। यहां तक समझ में आने वाली दो ही चीजें थी, एक तो अगर कॉमन आ गया तो घटाएंगे, अलग अलग आ गया तो जोड़ देंगे, दो ही तो चीजें की अभी तक अपने ने। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब है ना क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बोलिए उल्टे क्रम में, अब अपने उल्टे क्रम में बोल दिया तो लिखना ही पड़ेगा भाई, है ना, अब अपने लिख रहे हैं उल्टे क्रम में। ये बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अब लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो भी काम चलता है, लिखेंगे तो भी, मैं दोनों तरीके समझा देता हूं आपको। यहां पर लिखेंगे ZY, फिर लिखेंगे XW VUV, फिर क्या लिखेंगे, सॉरी UVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA हो गया। अब ये अपने से जो पूछता है ना, वो देखिए क्या पूछता है, ये कहता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो अपने ने लिख लिया, फिर ये कहता है वो सेम क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ इतना कहता है अंग्रेजी वर्णमाला, मैं पूरा लिख देता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला को
उल्टे क्रम में लिखने के बाद या लिखने पर, एक ही बात है, बाएं से आठवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ये है। अब देखिएगा, याद रखना, बायां साइड इधर ही होता है, ये बायां साइड है और वो दायां साइड है। लेकिन सबसे पहला काम इसमें अपने ना, मोस्ट ऑफ गड़बड़ क्या करते हैं पहलवान जो होते हैं ऑफलाइन क्लास में, वो क्या गड़बड़ करते हैं, वो ये करते हैं कि सर पहले ही बताओ बायां दायां, अभी ये से शुरू करूं, या मतलब कन्फ्यूजन भी आ जाते हैं भी, अरे यार वो बाद की बात है, अभी बाएं से देखना है कि दाएं से देखना है। सबसे पहले अपना काम है कि ये देखो भी घटाना है कि जोड़ना है, सबसे पहले काम अपना यही है। आप ये देखो ना, अंग्रेजी लिखने पर बायां शब्द आया एक बार और एक बार आ गया दायां, दोनों अलग अलग आ गए, विपरीत आ गए, और विपरीत जुड़ते हैं हमेशा, है ना, तो जुड़ते हैं तो आठ और पांच है तेरह। अब ये बात होगी कि तेरहवां अक्षर देखना है, अब ढूंढो ना कहां से देखना है, बाएं से देखें कि दाएं से देखें, वो तो बाद की बात है, तो अब देख लो क्या दिक्कत है उसमें। अब बताओ सबसे पहले लाइन में बाएं आया था कि दाएं आया था? बाएं आया था, और ये पड़ा से, अगर आप देख सकते हो तो ये पड़ा से इसके साथ लगा हुआ है ना, तो अपने बाएं से देखेंगे और बाया साइड ये होता है, उल्टे क्रम में आ गया तो जड आ गया बाएं पे, क्योंकि ए उधर चला गया। अब आपको तेरहवां देखना है यहां से, तो यहां से तेरहवां देखेंगे तो कौन सा उत्तर आएगा भाई? ये आएगा जी, यहां से तेरहवें का आंसर ये आएगा। ये क्यों आएगा, इतना जल्दी कैसे पता चला भाई? क्योंकि अपने को अगर उल्टा, उल्टा तो याद नहीं होता किसी को भी, उल्टा पांचवा, उल्टा चौथा, सीधा तो चौथा याद है, डी होता है, उल्टा चौथा कौन याद करे भी? ऐसे थोड़ी याद करेंगे भी जेड एक पर, वाई दो पर, है ना, एक्स तीन पर, डब्ल्यू चार पर, ऐसे थोड़ी याद करेंगे। आपको जो मैंने यहां पर एक कोडिंग डिकोडिंग में एक लिखवाया था, एक चार्ट सा बनवाया था, जो मतलब थे पार्टनर, साझेदार, जोड़ीदार, ए का जेड, ए टू जेड, अजर, आज, इस हिसाब से याद करते हैं, बी वाई बॉय, सी एक्स, इस हिसाब से। तो एम, एम नंबर तेरह, और तेरह का जोड़ीदार एन होता है, तो अगर इधर से एम तो इधर से एन, एक ही बात होती है, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपने इस चीज को। तो आंसर क्या आया? तेरह। आप काउंट कर लीजिए, तेरहवां देखना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये आंसर आएगा अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। तो इस हिसाब से ये आंसर आ गया अपने पास। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर समझ में आएगा, अभी तक नहीं आया शायद कईयों को समझ। अब देखिएगा, अब की बार जो क्वेश्चन है, इसने लिख दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में को उल्टे क्रम में लिखने पर, लिखी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, थोड़ा सा लिख रहा हूं। उल्टे क्रम में लिखने के बाद दाएं से दसवें के बाएं छठा छवां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा आपसे, ये पूछ लिया आपसे। तो अब देखिएगा, पहले आप दाया बायां छोड़ दीजिए ना, आप ये देखो दाया और बायां दो अलग अलग है, तो जोड़ने वाला काम करो यार, 10 प्लस 6 बराबर क्या आ गए जी, 16 आ गए। अब 16वां देखना कहां से है, जो लाइन में पहले आए और जिसके साथ क्या लगा हो, से लगा हो, दोनों निशानी ध्यान रखनी है, ठीक है, ये लगा पड़ा से, तो आपको दाएं से देखना है, उल्टे क्रम वाला देखना है। अब उल्टे क्रम में ये होती है एबीसीडी, तो यहां से देखो दाया साइड ये है, वो देखो लिखा पड़ा दाया लिखा पड़ा है ना, ये है यहां से 16 नंबर। अब ए से शुरू करते हैं तो 16 नंबर आपको पता है कि कौन होता है, पी होता है, बिल्कुल सही, पी होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पी, ठीक है। अब मुझे बताइए जनरली, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, अब मैं दो तीन बेसिक बेसिक चीजें पूछता हूं आपसे, आपको समझाता हूं, अगर नहीं होती है तो आपसे, आपको अगर पता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है कि सीधे क्रम की बात करेंगे, अब अपने उल्टे क्रम की बात नहीं करेंगे, उल्टी बात नहीं करेंगे, सीधी बात ही करेंगे अपने, ठीक है। सीधे क्रम में अल्फाबेट ए से शुरू होता है, अपने को पता है जो सही होता है वो ए बी सी डी ई एफ ऐसे होता है। आपको पता है कि भी सीधे क्रम में
नो नंबर पर क्या आता है? आई, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो पर आता है सीधे क्रम में। अगर सीधे क्रम में पूछे भी नौवा अक्षर बताओ तो अपने बता देंगे भी आई होता है नौवें पर, लेकिन उल्टे क्रम में पूछ ली भी नौवा बताओ तो या तो आप लिखो ABCD, अगर लिखनी नहीं है तो जो कोडिंग डिकोडिंग में याद किया था मैंने कहा था कि ये आगे भी काम आएगा तो ये काम आ रहा है अब। तो आई का जोड़ीदार कौन होता है? आई का जोड़ीदार आर होता है, इंडियन रेलवे IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मैंने दोनों चीज बताई थी आपको। तो अब सुनिएगा, नौ नंबर पर क्या होता है? आई भी होता है और आर भी होता है, दोनों ही नौ पर होते हैं, एक आगे से नौ नंबर पर, एक पीछे से नौ नंबर पर। अगर आपको सीधे क्रम में अल्फाबेट याद है, सीधे क्रम में ABCD याद है, तो आप आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। जैसे एक और करवाता हूं, आपको कह दिया कि 16 नंबर पर, तो 16 नंबर पर आपको पता है, एक साइड से पता होना चाहिए, पी आता है, पी 16, तो पी का जोड़ीदार कौन होता है? पी के पी, ऐसे याद किया था आपने ने, तो पी का जोड़ीदार के होता है, तो एक साइड से पी 16 नंबर पर पी आएगा, तो दूसरी साइड से पीछे से मतलब जेड से, जेड को शुरू करूंगा, जेड वाई इस हिसाब से 1 2 3 4 करूंगा। जैसे इस लाइन को हटा देता हूं, नीचे वाली को इसको हटा देता हूं मैं, अब देखिए अब समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो कारण है ना, ये आपका बहुत टाइम बचाएगा, मान के चलिएगा, मैं आपसे वादा करता हूं ये बहुत टाइम बचाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपका बहुत टाइम बचेगा, बहुत मतलब ये नहीं भी 2-3 घंटे बच जाएंगे, लेकिन सेकेंडों में जरूर बचेंगे आपके, लगभग 10 से 15 सेकेंड, क्योंकि 10 से 15 सेकेंड कैसे बचेंगे, एक तो आपको अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी पूरी 26 अक्षर, ठीक है, दूसरी बात फिर आपको काउंट और करनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है, पी 16 नंबर पे, इधर से देखो, इधर से 16 नंबर पी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये रहा आ गया पी। और अब मैं देखता हूं जेड की साइड को, जेड को एक मान के देखता हूं, 16 नंबर देखना क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखो के। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों आपको, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो जिसमें आपको अगर सीधे क्रम में याद है तो आप उल्टा क्रम में इसको आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, चांस ही नहीं है आने के। चलिए एक चीज और देखते हैं, अब की बार कोई उल्टा नहीं है, एक सीधा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं बिल्कुल मैं, ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने, क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों, इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें के बाएं, अब उल्टा और कुछ नहीं है, सीधा ही, अगर कुछ ना आए ना तो अपने को सीधी अल्फाबेट माननी है, हमेशा याद रखना है। अब देखो पहले दायां आ गया और क्या आ गया बायां, दोनों अलग अलग आ गए, तो क्या करें, जोड़ दें, 5 + 7 = 12 होते हैं। अब 12वां अक्षर देखना है, अब देखना किस साइड से है, देखना किस साइड से है, दाएं, क्योंकि लाइन में देखो, लाइन में क्या आया, दाएं पहले आया है, दाया पहले आया है ना, और दाया पहले आया और से लगा हुआ है, साथ में से लगा हुआ है, तो आपको दाएं से ही देखना है दोस्तों, दाएं से देखना है, यहां से देखो आप, यहां से देखेंगे 12 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या आ गया, वो आ गया, आपका उत्तर आ गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके ये क्वेश्चन आ गया तो ना तो आपको ये लिखना है, ना ये जोड़ना है, ना ही काउंट करना है, डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालते हैं वो बताता हूं आपको। आपको क्या देखना था, 5 और 7 = 12 देखना था, 12 ही देखना था। अब ABCD नहीं लिखी हुई है अपने पास और ना ही अपने काउंट करना चाहते, दोनों चीज बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को अगर सीधा याद है ये तो क्या, दाएं से देखना है, दाएं से देखना था 12वां, अगर आपको 12वां बाएं से याद है
बाएं से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, एल होता है 12 नंबर पे, क्या होता है एल। अगर इधर से एल होता है, अगर देखिए बाएं से, अगर बाएं से 12 नंबर पर क्या होता है एल होता है, तो याद रखना दाएं से, दाएं से ओ होगा 12 नंबर पर दाएं से, क्योंकि एल और ओ क्या है दोनों जोड़ीदार है, लव, याद करो लव, एल ओ वी ई। मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था एल ओ वी ई ये दोनों क्या है अपोजिट होते हैं, लव एल ओ, एल और ओ अपोजिट होते हैं, वी और ई अपोजिट होते हैं। तो ये देखिएगा एल का अपोजिट ओ, जैसे ही आपको याद आया कि अच्छा एल होता है 12 पे तो 12 का अपोजिट ओ, ओ उत्तर हो गया, ना ही तो आपको लिखनी पड़ी, ना ही आपको 1 2 3 4 5 6 करनी पड़ी, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में अपने यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे आगे बढ़ेंगे, जिसके एडवांस होते हैं आधे आधे टुकड़े करेंगे, 13-13 के 2 टुकड़े करेंगे, और जो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द नहीं बनते, कितना गैप आता है, इसके जो भी बाकी बचे हुए टाइप है वो करेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, हमारे वीडियो को देखिएगा, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारा इंडियन अकेडमी का जो ऐप है, इंडियन लर्निंग ऐप, आप उसको, उससे जो भी कंटेंट चाहिए उससे आप वो प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों।